प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2020 कल्पतरु कॉलेज ऑफ नर्सिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए एक नोटिस है। आप अपने घर पर सेफ्टी पर्पज़ के लिए हैं, इसलिए यहाँ पर कॉलेज में क्लासेस नहीं चलती है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और जैसा कि आपके पास नोटिस आ रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं, आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ गई है और बहुत ही जल्दी क्लिनिकल और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों एग्ज़ाम्स आपके होंगे और बहुत ही जल्दी होंगे और दिसंबर के पहले पहले हो ही जाएंगे। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसके पहले भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिकल फाइल वर्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। ये नोटिस जो है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स मतलब सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्कशन बताना है कि किस तरह से आपको फाइल कंप्लीट करनी है। तो एक सिंगल लाइन में आपके लिए एक नोटिस है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्लिनिकल फाइल वर्क जो है वो आपको 16 नवंबर से पहले सबमिट करना है। लास्ट डेट है 16 नवंबर। आप अपना क्लिनिकल फाइल वर्क कंप्लीट करिए, कॉलेज में आकर जमा करिए, राइट। कॉलेज में आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। कॉलेज के अंदर मैं अवेलेबल हूँ तो ठीक, अदरवाइज़ जो भी फैकल्टी वहाँ पर है, आप अपना क्लिनिकल फाइल वर्क 16 नवंबर के पहले सबमिट करना है, अदरवाइज़ हमें वो फाइल रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो आज इस सूचना के अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि कैसे फाइल को बनाया जाए, राइट। तो यहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस मैंने आपको बता दिया कि आपको क्लिनिकल फाइल बनानी है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों तरह के स्टूडेंट्स को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल फाइल सर बनाना कैसे है, राइट, हाउ टू मेक द क्लिनिकल फाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि आपके INC सिलेबस और RUHS सिलेबस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइल में क्या क्या कंटेंट आपको लगाने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर असाइनमेंट्स, राइट, फर्स्ट पॉइंट क्या अपना असाइनमेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो असाइनमेंट है ये आपको यहाँ पर बनाना है, और असाइनमेंट किस पर बनाना है, NCP पर। NCP मीन्स हम जो भी क्लासेस, पिछली जो भी क्लासेस हमने पढ़ी हैं उन पर नर्सिंग केयर प्लान का असाइनमेंट बनाना है, ताकि ये आपके नोट्स पर्पज़ के लिए भी काम आए और दूसरा आपके क्लिनिकल फाइल में अटैचमेंट के लिए भी काम आए। पिछली हमने जो भी क्लासेस ली हैं उसके अंदर बिगनिंग से ही मैंने आपको ये बताया कि टॉपिक के साथ आप असाइनमेंट भी बनाइए, ताकि आपके फाइल वर्क में अटैचमेंट के लिए ये सेम चीज़ यही यूज़ हो जाए, और ये नोट्स के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं असाइनमेंट जो आपको बनाने हैं 20, राइट। असाइनमेंट आपको कितने बनाने हैं, 20 बनाने हैं, राइट। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट है वो आपको 20 बनाने हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं और क्या बनाना है। तो सेकेंड नंबर पर हमको बनाना है केस स्टडी। क्या बनाना है, केस स्टडी। केस स्टडी आपको बनानी है दो। कितनी बनानी है, दो केस स्टडी आपको दो बनानी है। तीसरे नंबर पे अपन देखते हैं कि और क्या बनाना है, तो दो सेमिनार बनाने हैं, राइट। और दो सेमिनार के लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है और आगे देखते जाना है कि किस तरह से बनाना है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे ये असाइनमेंट बनाए जाएँ, इनके अंदर क्या क्या कंटेंट लगाया जाए। तो मैं आपको व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में, जो भी ग्रुप है उसके अंदर ये तीनों पेजेस भेज दूंगा। पेज नंबर 1 में असाइनमेंट किस तरह से बनाना है ये इंस्ट्रक्शन है, पेज नंबर 2 के अंदर केस स्टडी कैसे बनानी है ये इंस्ट्रक्शन है, और पेज नंबर 3 के अंदर सेमिनार कैसे बनाना है ये इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हैं। क्या क्या कंटेंट उसमें डालने हैं ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 1। अब पेज नंबर 1 के अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि असाइनमेंट किस तरह से बनाया जाए, राइट। तो यहाँ पर आपका सीधा सा
ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो ऊपर कंटेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, असाइनमेंट ऑन द नर्सिंग केयर प्लान ऑन करके जो भी आपका डिजीज़ कंडीशन है वो टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा, असाइनमेंट ऑन नर्सिंग केयर प्लान, राइट। ये हेडिंग आपको यहाँ पे अपने असाइनमेंट के ऊपर लिखनी है फ्रंट पेज पे, असाइनमेंट, राइट, असाइनमेंट ऑन नर्सिंग केयर प्लान, राइट, ऑन जो भी डिजीज कंडीशन है, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, बर्न हो गया, राइट, तो ये आपका फ्रंट पेज आ जाएगा। इसके बाद जो आप अंदर जो असाइनमेंट बनाते हो, ओके, जो अंदर असाइनमेंट बनाते हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। फर्स्ट पॉइंट अपना आ जाता है कि हमको सर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक इसके अंदर ऐड करना है। फर्स्ट पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, मीन्स सपोज मैं गैस्ट्राइटिस देता हूँ तो गैस्ट्राइटिस का इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखें सर, तो सेकेंड पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि प्रायोरिटी ऑफ नीड्स, मीन्स गैस्ट्राइटिस पर्सन को प्रायोरिटी नीड्स क्या क्या हो सकती है। माल न्यूट्रिशन रिलेटेड हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, राइट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या ब्लीडिंग रिलेटेड, हिमेटामेसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, एब्डोमिनल टाइटनेस हो सकती है, तो वो सारी जो भी प्रायोरिटी नीड्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है, प्रायोरिटी नीड्स लिखनी है। और प्रायोरिटी नीड्स कितनी लिखती है, मिनिमम 4 लिखनी है, कितनी लिखनी है, मिनिमम 4 लिखनी है। और जो आप 4 प्रायोरिटी नीड्स लिखोगे उन 4 प्रायोरिटी नीड्स के क्या बनेंगे, 4 नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे, राइट। तो नर्सिंग डायग्नोसिस भी कितने बनाने हैं, 4 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है केयर प्लान टेबल, तो केयर प्लान टेबल मीन्स एक नर्सिंग डायग्नोसिस का एक केयर प्लान आप बनाते हो, इसी तरह से 4 नर्सिंग डायग्नोसिस के 4 क्या बनेंगे, केयर प्लान के टेबल बनेंगे। तो मैंने आपके असाइनमेंट्स को बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, बहुत ही सिंपल कर दिया है, बिकॉज आपके पास बुक्स के सोर्सेज नहीं हैं और नेटवर्क के सोर्सेज भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये इशू आपका पहले से ही सॉल्व कर दिया गया है। इस बहाने आप बिल्कुल निश्चिंत होकर नहीं बैठिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है उतना ही वर्क दिया जा रहा है, लेकिन ये वर्क बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट है, इतना आपका मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना आपको 16 नवंबर के पहले सबमिट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 50% तो अपने नोट्स के अंदर ही है, मोर देन 80% कंटेंट अपने नोट्स के अंदर ही है, राइट, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस आपको बनाने हैं 4, नर्सिंग केयर प्लान के 4 टेबल बनाने हैं, और लास्ट में हेल्थ एजुकेशन आपको 5 पॉइंट्स इसके अंदर डालने हैं। कितने पॉइंट्स डालने हैं, 5 नर्सिंग एजुकेशनल पॉइंट्स इसके अंदर डालने हैं। तो अभी हमने ये देखा कि क्लिनिकल MSN फाइल के अंदर, राइट, क्लिनिकल MSN फाइल के अंदर किस तरह से हमको ये फाइल बनानी है। ओके, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए हैं। हम पेज नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि हमें सर केस स्टडी किस तरह से बनानी होगी, राइट, केस स्टडी किस तरह से बनानी होगी, कंटेंट फॉर द केस स्टडी। ओके, तो केस स्टडी के जब आप बनाओगे तो केस स्टडी पर हेडिंग क्या आ जाएगी, कंटेंट, केस स्टडी पर हेडिंग आ जाएगी कि केस स्टडी ऑन, राइट, केस स्टडी ऑन जो भी आपका टॉपिक है ना, जो भी आपका टॉपिक है वो आपको लिख देना है। जैसे कि मैं आपको केस स्टडी के लिए दे देता हूँ अपेंडिसाइटिस, राइट, तो आपका फर्स्ट पेज पर लेबल क्या आ जाएगा, केस स्टडी ऑन अपेंडिसाइटिस, राइट, ये हो गया। ओके, अब सेकेंड पेज पर जो अंदर आप जो कंटेंट लिखते हो उसमें सबसे पहले आपको ऐड करना है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। क्या ऐड करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, और इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक मीन्स कि अपेंडिसाइटिस के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो जो भी टॉपिक्स किस तरह से हैं वो टॉपिक मैं आपको अलग से अवेलेबल करवाऊँगा ग्रुप के अंदर। ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दे रहा हूँ मैं कि फाइल किस तरह से बनाना है, एक जैसा बनाना है, राइट, तो
हम फिजिकली वर्चुअल क्लास के लिए भी पॉसिबिलिटी इतनी है नहीं, इसलिए ऑनलाइन में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको केस स्टडी किस तरह से बनाना है। आगे बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट इसमें क्या जोड़े हम सर, तो सर आपको सेकंड पॉइंट आपको जोड़ना है फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या जोड़ना है? फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या देखना है? ये देखना है एबनॉर्मल फाइंडिंग्स को ही इसमें नोट करना है, राइट। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को अपेंडिसाइटिस देता हूँ, तो उनको एबनॉर्मल फाइंडिंग क्या क्या, पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेगी, जैसे कि एमसी बर्नी पॉइंट पे पेन होना, राइट, एब्डोमिनल पेन होना, तीव्र लेंसिनेटिंग पेन होना, उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड जो भी साइंगन सिम्टम्स हैं, रोजिंग साइन वगैरह हो गया, तो जो भी साइंगन सिम्टम्स हैं वो फिजिकल फाइंडिंग्स में लिखना है। जो चीज़ें नॉर्मल हैं वो नहीं लिखना है, जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं आपके डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट्स में जो एबनॉर्मल चीज़ें मिलती हैं, एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, राइट, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है पॉइंट वाइज। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू योर डिजीज कंडीशन आपको एबनॉर्मल फाइंडिंग्स लिखनी है, राइट। थर्ड पॉइंट पर अपन डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपके जो साइंगन सिम्टम है, डिजीज कंडीशन के जो साइंगन सिम्टम्स हैं, ये आपको इसके अंदर मेंशन करने हैं। आपके केस स्टडी के चौथे नंबर पॉइंट में नर्सिंग डायग्नोसिस इवेल्युएशन के अंदर क्या लिखना है, तो जो भी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, जो भी आपको कंडीशन मिली है अपेंडिसाइटिस, राइट, तो अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड जो भी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो है वो आपको इसमें मेंशन करना है। ओके, आई थिंक कि आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट अपन पांचवी बात करें, पांचवा पॉइंट आपको ऐड करना है मैनेजमेंट, राइट, किस तरह क्या क्या मैनेजमेंट किया जाए, तो क्या क्या मैनेजमेंट किया जाए या क्या मैनेजमेंट आपको आपके पेशेंट का हो सकता है, तो मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट तीनों इसके अंदर ऐड करने हैं। एनसीपी, राइट, ऐड करनी है इसमें। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आपको मेडिसिन के बारे में लिखना है, सर्जरी यदि इसमें है तो सर्जरी कौन सी सर्जरी है उसका क्या मीनिंग है ये लिखना है। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स, जो जो भी ड्रग्स चल सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या सर्जरी हो सकती है, और नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस और एनसीपी इसमें बनाना है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे ये फाइल आपकी थोड़ी बड़ी हो जाती है, राइट, लेकिन ये कितनी दी गई है, मात्र दो दी गई है, राइट, तो केस स्टडी आपको दो बनानी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे सर सेमिनार। तो सेमिनार के अंदर आपको जो असाइनमेंट बनाओगे उसमें फ्रंट पेज में लिखना है सेमिनार ऑन, राइट, सेमिनार ऑन करके टॉपिक, आपका जो भी सेमिनार ऑन है किस पर सेमिनार है। मैं यदि आपको क्या दे देता हूँ, ईसोफेजाइटिस दे देता हूँ, राइट, या थर्ड ईयर्स वालों को मैं ओटाइटिस मीडिया दे देता हूँ, राइट, ओटाइटिस इंटरना दे देता हूँ, तो उनको क्या लिखना है, सेमिनार ऑन द ओटाइटिस मीडिया, सेमिनार ऑन द ईसोफेजाइटिस, समझ में आ गया, ये इस तरह से सेमिनार। अब सेकेंड ईयर वालों को बता देना चाहूँगा कि सेमिनार का मतलब क्या होता है। सेमिनार एक तरह से आप के लिए वो टूल है या वो मेथड है जो आपको एक शिक्षक बनाता है, मीन्स आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक को टीचिंग पर्पस से, राइट, टीचिंग पर्पस से आपको उसके कंटेंट तैयार करने होते हैं, इंट्रोडक्शन से लगा के लास्ट हेल्थ एजुकेशन और बिब्लियोग्राफी तक आपको कंटेंट रेडी करना होता है और वो कंटेंट आपको टीच करना होता है अपने क्लास में या अपने से जूनियर क्लास में, राइट, यही चीज़ सेमिनार होती है यदि अपन बीएससी नर्सिंग के कोर्स को देखें तो। तो यहाँ पर क्योंकि फिजिकल क्लासेस लगी नहीं है, वर्चुअल क्लासेस लगी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेमिनार फाइव में से हमने मात्र दो कर दिए हैं, लेकिन दो सेमिनार का रिटर्न मटेरियल हमको क्लिनिकल फाइल में अटैच करना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर सेमिनार सेकेंड ईयर के लिए भी दो सेमिनार ही एलोटेड किए गए हैं और थर्ड ईयर वालों को भी दो सेमिनार रेडी करने हैं। तो सेकेंड ईयर में जो सेमिनार और थर्ड ईयर में जो सेमिनार
आप बनाएंगे तो उसमें असाइनमेंट फॉर्म में ही बनता है, लेकिन फ्रंट पेज पर आप क्या लिखेंगे, सेमिनार ऑन जो भी आपको टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक उसमें लिखा जाएगा। इसके बाद सेकंड पेज से जब आप अपना रिटर्न कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो सेकंड पेज से जो आप अंदर वाले पेज से आप जैसे ही कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। फर्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, मीन्स आपको जो टॉपिक मिला है डिजीज कंडीशंस जो भी मिली है उसका इंट्रोडक्शन, राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, आपको जो भी डिजीज कंडीशन मिली है उसका इंट्रोडक्शन। सेकंड नेक्स्ट है कि इटियोलॉजी, राइट, इटियोलॉजी जो भी डिजीज कंडीशन है उसकी इटियोलॉजी, जैसे मैं आपके सामने क्लास लेके आता हूँ तो मैं अपने डिजीज कंडीशन के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ, सेकंड नंबर पे मैं इटियोलॉजी को डिस्कस करता हूँ, राइट, थर्ड नंबर पर मैं क्लिनिकल फीचर्स या उसके क्लासिफिकेशन या उसके टाइप के बारे में आपको बताता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने टीचिंग पर्पस से के अकॉर्डिंग क्या क्या कंटेंट रेडी रखना है, इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इसके बाद नेक्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में तीनों तरह के आ जाएंगे, राइट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग रोल क्या होते हैं, राइट, यहाँ पे एनसीपी नहीं बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, नर्सिंग रोल, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या बनाना है आपको, नर्सिंग रोल, नर्सिंग रोल ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, राइट, पेशेंट को डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, मेडिकेशंस के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में क्या क्या आप एजुकेशन दे सकते हैं और आपको क्या क्या उसमें हेल्थ एजुकेशन देना है, पेशेंट को कौन सी पोजिशनिंग देनी है, कौन सा एनवायरनमेंट देना है, क्या इक्विपमेंट्स अवॉइड करने हैं या क्या इक्विपमेंट का बेनिफिट उसे देना है, डाइट कैसी रखनी है, मेडिसिन का टाइमिंग क्या रखना है, राइट, ये सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड फर्दर आपकी जो भी डिजीज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग रोल इसमें बनाने हैं। और लास्ट में आपको ऐड करना है हेल्थ एजुकेशन। ओके, तो इस तरह से आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये इस तरह से 20 असाइनमेंट, 2 केस स्टडी और 2 सेमिनार आपको सबमिट करना है 16 नवंबर, राइट, और 16 नवंबर से पहले आपको जमा कर लेना है, बाद में बर्डन बढ़ सकता है और आपको आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पढ़े कब और असाइनमेंट कब बनाएं। अब नेक्स्ट यही है, यदि कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है सबमिट करने में, क्लिनिकल फाइल सबमिट करने में, तो आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, इंटरनल मार्क्स के लिए और रिजल्ट्स के लिए फर्दर जो भी इशू होते हैं, राइट, ऑल द बेस्ट, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी आएंगे, क्लिनिकल एग्ज़ाम्स सबसे पहले MSN के ही आ सकते हैं और ये आपको सूचित कर दिया गया है, जल्दी से जल्दी अपना फाइल वर्क कंप्लीट करें ताकि आप अपने फ्यूचर में जल्दी से जल्दी पढ़ाई को भी ध्यान दे सकें, थ्योरी प्रिपरेशन को भी फोकस कर सकें। ओके, ऑल द बेस्ट।